के लिए विवाहिता की हत्या, पति सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के रामपुर में थाना गंज क्षेत्र के डूंगरपुर में विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे पर तमाम भीड़ जमा हो गई। उधर सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गौरतलब हो कि मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना अंतर्गत पाडली निवासी चंद्रसेन की पुत्री आरती का विवाह इस वर्ष फरवरी में गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर निवासी भगवान दास के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ हुआ था। उनके अनुसार उनके द्वारा दिए गए जहेज से आरती के ससुराल पक्ष के लोग प्रसन्न नहीं थे। वे उससे 5 लाख रुपए तथा अल्टो कार लाकर देने की बात कहा करते थे। कहाँ रहते? पाडली। अच्छा, क्या मामला हुआ था? पूरी बात उनका मामला क्या था? जब शादी की बातचीत चली तो इन्होंने अपाची की मांग रखी थी, फिर अपाची शोरूम में गए तो इन्होंने फिर बुलेट के रखा, तो बुलेट भी दे दी। अच्छा। अब जो है 8 फरवरी को शादी करी थी, अब इसी बीच में जो है थोड़ी सी दहेज के पीछे थोड़ी अनकानी में नाराजगी रह करती थी। सुबह जो है इनके ससुर का फोन पहुंचा करीब 4:30 बजे करीब, तुम्हारी लड़की ऐसे से जो है जहर खा लिया है। मैं जहर खाया हुआ नहीं है, गले पे निशान है, ये मारी गई है। आप कौन है? लड़की? लड़की चाचा हूँ। क्या चाहते हैं वो? इनके साथ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। अच्छा, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है इसमें? नहीं, अभी कोई गिरफ्तार नहीं किया, कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने अभी तक। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाए लड़के? जी। डूंगरपुर का जो मामला है, क्या मामला है इसमें? एक हमारा सुबह पुलिस को एक सूचना मिली कि डूंगरपुर में एक महिला है, उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई कि उस महिला की अभी 8-9 महीने पहले ही शादी हुई थी, और जो वादी है वो बता रहे थे कि उससे महिला से दहेज की मांग की जा रही थी, और उन्होंने तहरीर दी है कि इसको दहेज के चलते ही इसको मार डाला गया है। थाने पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है? 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किसी की अरेस्टिंग हुई सर इसमें? अभी इसमें कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। श्याम देवी। कहाँ रहती हो? पाडली में। अच्छा, क्या मामला हुआ था, ये क्या बात है? शादी करी, लड़की को तंग रखता बहुत, लड़की से बोलता ना मेरी बिल्कुल भी। अच्छा। लड़की ने मेरी फोन करा, मैंने एक दो महीने रोकी भी अपनी लड़की, फिर सुसन ने फोन करा कि पता नहीं कोई बात ना होगी, भेज दो। अच्छा। फिर मैंने अपने भाइयों से पूछी, मैंने भेज दी लड़की। भेजने के बाद मैंने लौंडी आ गई, आने के बाद रहती रही, फिर दहेज, फिर सुनो काक में इनने लौंडिया मेरी आती रही, फिर मेरी लौंडिया को इनने मारा। मानने के बाद कहता कि मुझे तेरे से कोई ताल्लुकात ना, पैसों की इनने रिफंड रखी पैसों की। अच्छा। लड़की से फिर बोला। अच्छा, कितने समय पहले शादी की थी? शादी करी फरवरी में। कितना समय हो गया? 8 महीने। अच्छा, तो ये पैसे की डिमांड करते थे? हाँ हाँ, दहेज की पैसों की। अच्छा। बुलेट मांगी। अच्छा। बुलेट दी मैंने। अब क्या हुआ था, अब क्या मामला हुआ? अब तो सही रही, सही बात ही। रात मेरी बात हुई मैं लड़की से, शादी ने मुसेरे देवर की रिश्ता करा दिया अपने हमारे चचेरी नंद से। आज इसके सास ससुर जेठ जिठानी गए भात लेकर, सब सही है। मेरी लड़की को ना शादी में लेके गया ना कुछ, इनने इकला देख के मेरी लड़की को, दोनों जने रुके घर पे। रात मैंने फोन करा, मैं लली शादी में गई है क्या? बोली मम्मी ना मुझे ना लेके गए, अब पैसे मांग रहा। अब रात दारू पी के आया, इनने लड़की का मेरी जम मारी है मेरी लड़की। आपको कैसे पता चला इस चीज पे? का आपकी लड़की को मार दिया? सुबह सुसन ने फोन करा। अच्छा। हाँ, कि तुम्हारी लड़की ने जहर खा लिया। सुबह सुसन ने फोन करा जब हम आए हैं। तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हुए? हाँ। तो थाने में रिपोर्ट दे दी है? थाने में रिपोर्ट दे दी। हाँ।